से टूरिस्ट बहुत बढ़ गए सर। अभी सब हाउस बोट में कस्टमर है और यहाँ होटलों में भी और शिकारे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शुक्र ऊपर वाले के ये बर्फबारी हो गई, ये हमारी खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है बर्फ़ गिरना, और इससे हमारा बिजली बढ़ेगी और पानी पीने का वो डल झील भी साफ हो जाएगा इससे, पानी से ये गंदगी भाग जाएगी, इसमें जो बदबू आ रही थी वो खत्म हो जाएगी इससे। हाँ टूरिस्ट बहुत उन्हें इंजॉय किया इसमें बर्फ में बहुत सारे, कल भी यहाँ बंद था तो भी टूरिस्ट आ रहे थे इस साइड में, रुका नहीं है कोई टूरिस्ट, सब जा रहे थे शिकारा में, यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे रोड पे। कम से कम 12-1 बजे रात तक था यहाँ पे, कम से कम 2-3 हजार लोग है इधर, जो शिकारे वाले भी हाउस बोट वाले भी है, कम से कम 1200-1300 हाउस बोट से सबकी रोजी चलती है। उसमें चाय बेचने वाले, शाल बेचने वाले है, और फोटोग्राफर है सर, और है सर यही जो लेदर्स वेदर्स जो यहाँ पर शॉप मीना बाजार में सबकी रोजी चल रही है इसके ऊपर। हाँ जी हाँ जी, हम भी इंजॉय, हम ऊपर वाले से दुआ करिए बर्फ वर्फ तो गिर गया, हम शिकारा चला रहे हैं यहाँ पे, हम भी कमाते हैं सर। टूरिस्ट को आने चाहिए, सब तो इसी के ऊपर डिपेंड है, टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर है सब बचते बेचारे इसी के ऊपर। ये हम तो बहुत हेल्प कर रहे हैं टूरिस्ट की, हम तो बहुत हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमारे मेहमान है, ये तो खूबसूरती है कश्मीर के, जब ये आते तब हम कमाते हैं इनसे, जब ये नहीं आएगा तो हम भी कुछ नहीं कमा सकते हैं। विद्या हिरेमठ है, कर्नाटक से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, कल मेरा जीवन में पहली बार है ऐसा स्नोफॉल मैंने लाइव पे देखा है, तो अच्छा लग रहा है। दाल भी पॉइंट भी अच्छा है, और थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे बातचीत करने में डिफिकल्टी हुआ, और ठंड का मौसम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो आइए टूरिज्म को मैं बोलती हूँ प्रमोट करने के लिए, आइए सब लोग आइए एंजॉय करिए। तो पहली बार आपने सुनो देखा? हाँ बहुत अच्छा लगा, इट्स यू नो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो आना चाहिए हर किसी को यहाँ पे? हाँ आना चाहिए, हाँ हम और प्रमोट भी मैं करती हूँ टूरिज्म के लिए, जम्मू कश्मीर लोगों को बहुत अच्छा है, तो कंफर्टेबल फील हो रही हूँ यहाँ पे, लोग भी टूरिस्ट लोगों को बहुत अच्छा दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, और आर्मी भी कोऑपरेटिव है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेटिव है, सो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल हियर। अच्छा लाइक, मेरा नाम मानस, मैं कैलाश है। यस्टरडे वेरी स्नोफॉल है इधर गुलमर्ग, एंड श्रीनगर ऑल्सो वेरी क्लाउड एंड स्नोफॉल, बेटर टू सी दिस टाइम। हाउ मच यू एंजॉय? रियली अवेसम। यू सी फर्स्ट टाइम द स्नोफॉल? या वेरी गुड, नाइस टू सी। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा, एवरीवन वांट टू विजिट हियर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। आना चाहिए सबको यहाँ पे? या अच्छा फूड है, अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा पीपल है। आपका नाम? मेरा नाम सेनापति महतो, मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लगा आपको? आई एंजॉयड अ लॉट, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा, और डल लेक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। कितना एंजॉय किया? काफ़ी, अनलिमिटेड, मतलब इसका हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इतना किया। तो डल लेक कैसा लगा? डल लेक बहुत अच्छा लगा, काफ़ी क्लीन है, और काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आना चाहिए, और मैं तो बाकी भी जाके फ्रेंड सर्कल में सबको बताऊंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, अच्छी जगह है, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आना चाहिए। आई एम प्रिया। सो यहाँ पे स्नोफॉल फुल डे कल था, एंड इट वॉज ऑसम, इसका कुछ भी मतलब कि कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। और अभी जैसे कि यहाँ पे सरफराज भैया ने हमें पूरा मतलब सुबह उनको हमने फ़ोन करके उठाया, उन्होंने पूरा डल लेक घुमाया, इट वॉज लाइक हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है। स्नोफॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा, कल फुल डे एक्चुअली हम ड्राइव पे थे, जम्मू जा रहे थे, लेकिन रोड ब्लॉक था, दैट्स ओके, बट वो स्नोफॉल बहुत अच्छा था।
डल लेक का भी बढ़िया था, यहाँ का हाउस बोट बहुत अच्छा है, लोगों को एक बार तो पक्का से रहना चाहिए यहाँ पे, एकदम डेफिनेटली आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, सबको आना चाहिए।